भाई लोग, अरे भाई वेलकम बैक टू माय चैनल डीडीआर इंडियन। दिस इज इमरान रसूल। जी हाँ, इमरान रसूल एक बार फिर से। भाई साहब, बार बार मुझे बोलना पड़ता है कि मैंने चेक किया, कल रात में चेक कर रहा था बैठ के, तो भाई उसमें मैंने देखा, एनालिटिक्स में देखा कि भाई सबसे ज़्यादा लोग वीडियो मेरी वो देख रहे हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो भाई देखो, ऐसी बात है कि सब्सक्राइब कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है यार, तब आपको सारी नोटिफिकेशन के बारे में पता लगेगा। बिना सब्सक्राइब करे देखने से क्या फ़ायदा यार। सब्सक्राइब करो और उसके साथ लाइक भी करो फटाफट। और देखो इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है सामने, भाई फॉलो कर लो फटाफट मुझे इंस्टाग्राम पे बिना देर किए। तो भाई आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि भाई व्लॉग जो है वो मैं डेली डालूँ, डेली व्लॉग करूँ। और इतनी ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ तो भाई थोड़ी सी मेहनत का फल तो दो यार। और ऐसी बात नहीं है फल आप नहीं दे रहे हो, फल दे भी रहे हो यार, मगर थोड़ा धीरे धीरे, छोटा 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 छोटा, बड़ा बड़ा फल दो, बड़े बड़े फल दो। तो अभी मैं अभी जा रहा हूँ फ़िलहाल, अपने हमारे एक अंकुर भाई हैं उन्हें उठाऊंगा मैं घर से। और हमारा आज प्लान बनाया, क्योंकि आज सैटरडे है, तो भाई सैटरडे जो होती है भाई की वीकली ऑफ, मतलब सैटरडे संडे दो दिन वीकली ऑफ होता है। तो भाई कई बार बोल चुके हैं कि यार अगर कहीं जाया करो तो भाई प्लीज़ मुझे बता दिया करो। तो मैंने सोचा कि भाई अब भाई को आज कॉल ही कर दूं यार। आज मुझे भी कुछ काम नहीं था, कल तो मैं कावासाकी चला गया था, आपने देखा होगा कावासाकी निंजा 6R का ब्लॉग जो हम सर्विस करवाने के लिए गए थे, हमारे ऋषभ भाई की 6R। भाई सब छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, एक दिन पूरा उसे कवर करूँगा, मैं पूरा कवर करूँगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि 6R में आपको क्या चीज़ जाननी है और क्या चीज़ पता करनी है, तो भाई आप मुझे कमेंट करके बताते रहो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि भाई 6R अगर मैं चलाऊं, 6R अगर मैं लूं, उस पर अगर व्लॉग बनाऊं तो किस चीज़ पर व्लॉग बनाऊं। क्योंकि मोस्टली मैंने जो बाइक चलाई हुई है CBR 600RR या CBR 1000 फायर ब्लेड हो गई, या फिर 10R पुरानी वाली हो गई, 10R मिड सेगमेंट वाली हो गई जो लिमिटेड एडिशन वाली थी वो हो गई, या फिर 10R 2020 या 19 मॉडल हो गई, ये सारी मैंने चलाई हुई हैं। और इन सब में मैंने ज़्यादातर एक ही चीज़ कवर की है, और मतलब उसमें मैं टेस्ट करता हूँ फर्स्ट गियर कि भाई फर्स्ट गियर में कितनी जाती है कौन सी बाइक। मैंने मोस्टली यही वाली वीडियो बना के डाली हुई हैं जो यूट्यूब पर डाली हुई हैं। जितनी भी मैं बाइक चलाता हूँ उनमें सबसे पहले मैं फ़र्स्ट गियर टेस्ट करता हूँ कि फ़र्स्ट गियर में कौन सी बाइक कितनी जाती है। तो ये वाली अगर आपने किसी ने वीडियो ना देखी हो तो आप देख लेना, 170 पहले गियर में कौन सी बाइक जाती है वो भी आप देख लेना, और वो आपको पता लगेगा तभी जब आप वीडियो देखोगे। 170 पहले गियर में 170 कौन सी बाइक जाती है। और भाई मुझे कमेंट करके इसी वीडियो में बताना कि कौन सी बाइक 170 पहले गियर में जाती है जिसकी मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, और 150 कौन सी बाइक जाती है। तो भाई जिस भाई ने मेरी वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा कि भाई कौन सी बाइक 170 जाती है पहले गियर में, 170 किलोमीटर पर आर की स्पीड से फर्स्ट गियर में। तो भाई जाओ वीडियो देखो, ये वाली वीडियो कंप्लीट करने के बाद, और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई मतलब कौन सी बाइक जाती है। माय टाइग्रेस, दैट्स व्हाई आई लव माय टाइग्रेस सो मच। भाई टाइग्रेस से इतना प्यार करता हूँ मैं, बस पूछो मत। और ये फीलिंग एक राइडर ही समझ सकता है, राइडर जो एक ट्रू राइडर होगा, ओ मागू तुलुलाब। तो भाई आ गए हम अपने अंकुर भाई के घर के पास, अब ज़रा उन्हें कॉल करेंगे और पूछेंगे कि भाई कहाँ हैं, अगर हैं तो आ जाए, नहीं है तो फिर हम अकेले निकल जाते हैं। हेलो, नीचे आओ, नीचे बैठा हूँ, मतलब बैठा नहीं हूँ, खड़ा हूँ। आ जाओ। भाई ने बोला घर पे बैठा हूँ, मैंने मैं भी नीचे बैठा हूँ। और मैं बाइक से भी उतरा हूँ। ओए होए, नई जैकेट।
क्या हाल चाल। ये ठंड ऐसी पड़ी दो दिन में कि भाई बंदों की जैकेटें निकल गई हैं गरम गरम। हेलमेट किधर? हेलमेट यार दादी के घर चलने को ना। चलो अबे पॉलिश करवाई नहीं करी है, वो भी आज, अगर आज थोड़ी सी गंदी हो गई भाई, वरना ऐसी चमका के। अरे कम चमक रही है भाई, अभी कम चमक रही है क्योंकि अभी एलॉय पे कपड़ा ही नहीं मारा जल्दबाजी में। दो घंटे खराब करता हूँ मैं इस पे। हाँ दो घंटे खराब नहीं करता हूँ मैं, इसकी सेवा करता हूँ। तो भाई लोग मैं आ गया हूँ शालीमार गार्डन के अंदर, और मैंने बहुत देर बाद व्लॉगिंग शुरू की है क्योंकि मैं खा रहा था और पी रहा था, कॉफ़ी पी रहा था। ये उतार देता हूँ फिर उसके बाद बात करता हूँ, क्योंकि नज़रें मिलनी बहुत ज़रूरी है। नज़रें जब तक नहीं मिलेंगी ना आप लोगों से, तब तक मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो भाई ये कैफ़े जो है वो खोला है हमारे एक भाई है उन्होंने, और शालीमार गार्डन के अंदर। तो भाई शालीमार गार्डन के अपने जितने भाई है ना आसपास के भाई, यहाँ पे आना और एक बार कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना जो मैंने पी थी। बोल देना एक बार कि जो मैंने पी थी वो वाली कॉफ़ी पिलाओ, क्योंकि वो इतनी बढ़िया कॉफ़ी भाई मैंने आज तक कहीं नहीं पी। मतलब मैंने आज लाइफ में समझ लो सेकंड टाइम उस जैसी कॉफ़ी पी है जो मैंने पहले पी थी। तो मैं आया हूँ अभी अंकुर भाई के साथ, और अंकुर भाई बैठे हुए हैं यहाँ, और हमारे भाई बैठे हुए हैं ये यहाँ के ओनर हैं। तो भाई यहाँ पे आना मत भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि भाई देखो मज़ा तो आने वाला है। और प्राइस बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको यार प्राइस, क्योंकि भाई प्राइस तो ऐसी है हर आदमी सबसे पहले जाके मेन्यू के अंदर प्राइस ही ढूंढता है भाई, और प्राइस ही देखता है, और जब जेब फ्रेंडली हो प्राइस तो फिर तो पीने में कोई बात ही नहीं है यार। तो भाई देखो हमने यहाँ पे कॉफ़ी पी ली और जो खाना था वो खा लिया, अब हमारी यहाँ से आगे की जर्नी होगी। यहाँ से निकलते हैं हम और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये था शालीमार गार्डन, और भाई जो लोग मुझे बहुत पहले से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं और भाई वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि भाई मैं यहीं रहता हूँ आसपास। तो ये हमारे एक दोस्त थे जिन्होंने जो है वो यहाँ पे कैफ़े अभी जल्दी में ही खोला था। तो भाई काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि यहाँ पर जाऊँगा यार, क्योंकि यहाँ पर खुला है कोई कैफ़े और हमें नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि पहले यहाँ पर हो लेते हैं फिर उसके बाद हम निकलेंगे जहाँ भी हमें जाना है, मैं और हमारे भाई अंकुर भाई। तो भाई लोग हम देखो आगे भूसा से गाड़ी के अंदर। तो भाई गाड़ी के अंदर हम इसलिए आ गए क्योंकि ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छी वाली ठंड हो रही थी। देख रहे हो गाड़ी के अंदर भी इतने मोटे मोटे कपड़े पहन के बैठे हुए हैं भाई। सच में आज हवा बहुत तेज़ है, और दो दिन से जो है वो इतनी तेज़ हवा चल रही है, शायद हो सकता है कि आसपास के इलाके में बर्फ़ पड़ी हो नैनीताल वगैरह में। तो भाई इसलिए हम जो है वो हमने डिसाइड किया कि भाई शाम हो गई है, रात हो गई है, तो अब गाड़ी निकाल लेते हैं। अब यहाँ से हम निकले हैं अभी अपने रास्ते की तरफ, और कहाँ जा रहे हैं वो अभी हम आपको बताएंगे नहीं, वहाँ जब जाएंगे तब जाने के बाद आपको दिखाई देंगे कहाँ जा रहे हैं। तो एक भाई के जो है फ्रेंड है वो मिलने के लिए आ रहे हैं, उनका कॉल आया था तो हम उनके पास अभी जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम गाड़ी से आएंगे क्योंकि तीन बंदे हो जाएंगे, तीन बंदे अपनी टाइग्रिस पर बैठ नहीं सकते, राइट। तो इसलिए हमने जो है वो गाड़ी निकाल ली भाई की, है ना, और अपनी टाइग्रेस खड़ी कर दी भाई की गाड़ी की जगह पे। तो अब भाई वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे जाके देखते हैं, मिलते हैं हम भी जरा फ्रेंड से भाई, फ्रेंडशिप कर लेंगे हम भी। चलो भाई मिलते हैं वहाँ पे, मिलते हैं वहाँ पहुँच के मिलते हैं। ये गजब था एकदम। भाई मैं जो है एस्केलेटर से आ रहा था, भाई वेट कर रहे थे कि मैं खड़ा हो गया आऊँगा, मगर भाई ने जब देखा कि मैं बैठा हुआ हूँ तो हंसी निकल गई मेरी भी और उनकी भी। ये अच्छा लग रहा है, मस्त एकदम। अच्छा ये नई जगह एक्सप्लोर की है हमने, मतलब नई तो नहीं है, इतनी नई नहीं है, मगर हाँ तैयार अब हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या था, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट बनी हुई थी पूरी, इम्परफेक्टो भी खुल गया यहाँ पे। अच्छा अरे वाह भाई वाह, इम्परफेक्टो खुल गया और फ्लाइंग डचमैन में भी मैं गया वो। तो अभी हम जो है वो भाई की गाड़ी में से हम आ गए सीधा, कौन सा भाई मॉल का नाम क्या था इसका? ये है इंद्रपुरम हैबिटेट सेंटर है ये। अच्छा मैं जब यहाँ पर आया था तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब ये बन गया तैयार हो गया,
तो अभी हम ऊपर चढ़े हैं, अब धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहाँ पे है क्या क्या चीज़। तो अभी अंदर जाके हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ है, और कोई चीज़ हमें अच्छी लगेगी, कोई जगह अच्छी लगेगी तो वहाँ बैठ लेंगे और थोड़े से मज़े लेंगे। तो भाई बड़े मज़े किए हमने यार इस वाले मतलब मॉल के अंदर। ये हैबिटेट सेंटर था इंदिरापुरम का, भाई साहब मज़ा ही आ गया सच में। इतना इतना हंसे आज हम भाई, इतना हंसे ना सीरियसली कि भाई भाई बस सोच नहीं सकता कोई कि कितने हंसे, मज़ा ही आ गया था भाई। मेरे तो यहाँ दर्द हो गया हंसते हंसते भाई सच में सीरियसली इतने इतने मज़े आए कुछ मतलब। अब हमने वीडियो में इसलिए नहीं डाली ये चीज़ें क्योंकि वो थोड़ा सा अलग मैटर था, इसलिए नहीं डाली, कुछ और बातचीत थी। तो भाई अभी देखो टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, हमें घूमते घूमते खाते पीते टाइम भाई बहुत ज़्यादा हो गया, 11 बज गए। तो अब भाई वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। तो भाई देखो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो करना लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई देखो। बिल्कुल हाँ, तो मिलता हूँ भाई अगली वीडियो के साथ। बाय बाय। बाय बाय। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते।